हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम होटल जैसा बटर चिकन घर में ही इंस्टेंट बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है ये सुहाना का बटर चिकन मिक्स है, 50 ग्राम का वो हमने पैकेट लिया है। ये 200 ग्राम हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है। ये दो मीडियम साइज के टमाटर है जिनका हमने प्यूरे बना के लिया है। एक 100 ml हमने दूध लिया है। एक कप हमें पानी लगेगा। 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और 4 टीस्पून हमें अमूल बटर लगेगा। तो आइए इंस्टेंट बटर चिकन बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब चिकन के पीसेस को जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा लेती हूँ। ये 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। चिकन के पीसेस को ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के 20 मिनट हम लोग रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये बटर चिकन मिक्स बना लेते हैं। जो हमें पेस्ट बनाना है वो हम अभी बना लेते हैं। ये हमने मसाला लिया है बटर चिकन मिक्स का, और इसमें अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके एक कप दूध ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। 2 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। इसमें हमें ये 2 टीस्पून बटर डालेंगे। इसमें अब हम ये जो हमने चिकन के पीसेस को जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के रखा था 20 मिनट के लिए, ये हम इसे भूनने के लिए डालते हैं। इसे हमें 10-15 मिनट के लिए भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 मिनट के लिए चिकन पीसेस को बटर और ऑयल के साथ भून लिया है। मैं अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। अब हम ये टमाटर का प्यूरे डालेंगे। ये टमाटर का प्यूरे हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टमाटर प्यूरे को ऑयल और बटर के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अभी इसको टमाटर प्यूरे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ये जिसमें हमने दूध में मिक्सचर मिलाया था पेस्ट बनानी थी, ये पेस्ट डालेंगे। और इसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये पेस्ट को हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम ये चिकन के पीसेस इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही ये हमने एक कप पानी लिया है, ये पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आप आपके ज़रूरत के अनुसार इसमें यूज़ कीजिए। अगर आप थिक ग्रेवी चाहते हो तो पानी थोड़ा कम डालिए। हमने हाफ पानी डाला है, मैं और थोड़ा पानी इसमें डालती हूँ। 3/4 कप पानी मैंने यूज़ किया है। 5-10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम 1 टीस्पून बटर इसमें ऐड करते हैं और 5 मिनट के लिए अब हम इसे बॉईल आने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट बटर चिकन बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे और ये धनिया पत्ती हम इसके ऊपर रखेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट बटर चिकन बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।